इस वेले दी अहम खबर अमृतसर साहब तो जिथे बेअदबी की कोशिश की गई है। एक गुरद्वारा साहब है जिथे एक महिला दे वल्लों बेअदबी की कोशिश की गई। कथू नंगल का यह धार्मिक स्थान है जिथे एक महिला आम संगत की तरह एंटर हुंदी है ते फिर बेअदबी की कोशिश उसके वल्लों की जाती है। सीसीटीवी तस्वीरों के पूरी घटना कैद हो गई है। जन्म स्थान बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु घर है यह जिथे यह बेअदबी की कोशिश की गई है। कथू नंगल दियां यह तस्वीर ने सीसीटीवी दे विच दिखाई दे रहा है कि यह महिला आम संगत की तरह गुरु घर के अंदर एंटर होंदी है, नतमस्तक होने के वास्ते पहुँचती है, गुरु ग्रंथ साहब जी की परिक्रमा करती है। लेकिन जिमें ही परिक्रमा पूरी होने वाली होंदी है तो उस वक्त इस महिला दे वल्लों गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप की बेअदबी करन दी कोशिश की जाती है। रुमाला साहब नू खिचदी है महिला, जिमें ही आस पास जो संगत अते भाई साहब हुंदे ने ओह तुरंत इस महिला नू रोकण दे वास्ते अगे वधदे ने। महिलावां दे वल्लों इस नू काबू कर लिया गया, हालांकि ये नहीं पता लग सकिया कि अगे इस दे बाद की एक्शन होया। जो तस्वीरां सामने आईयां ने काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देण वालियां ने। लगातार पंजाब दे विच बेअदबी दीयां घटनावां वापर रहीयां ने, इल्जाम लगाया जा रहा है कि कई जगह पर शरारती अंसर जो ने अजिहियां घटनावां नूं अंजाम दिंदे ने तां जो भाईचारक सांझ नूं अते अमन शांति नूं नुकसान पहुँचाया जा सके। तो इस दरम्यान अज फिर एक घटना सामने आई है जिथे एक महिला दे वल्लों ही इस घटना नूं अंजाम दिता गया। बिल्कुल साधारण महिला लगती है जिवें संगत गुरु घर दे विच नतमस्तक हुंदी है, उसे दा हिस्सा बन के महिला एंटर हुंदी है, गुरु साहब अगे नतमस्तक हुंदी है, परिक्रमा करती है। जिवें ही परिक्रमा पूरी होने लगती है तो इस वल्लों बेअदबी की कोशिश की जाती है। लाइव वीडियो दे विच ए महिला की हरकत कैद हो गई है। अज जदों असी अमृतसर से पता लग्या कि साडा पिंड है, क्यों कत्थू नंगल जन्म स्थान बाबा बुढ़ा जी का, सानू जदों ही पता लग्या कि अज इत्थे किसी ने जिहड़ा सड़क ते गुरद्वारा है इत्थे एक लेडी आई उन्हें बेअदबी करन दी कोशिश की, वह जो सुन के असी उस वेले फौरन इत्थे पहुँचे हाँ तो हिरदे विलुंदरे गए ने कि ये नित दिन ये सिख धर्म दे नाल ही क्यों नहीं आ रहे। तो पहलियां साडियां मन दे विच जिहड़े जिहड़े वलवले ने, चाहे वह बहबल कलां कांड सी चाहे होर सन, अजे वह नहीं सी साढ़े रोस मुका। बीते समय के दरबार साहब किसी ने कोशिश की बेअदबी करन दी, उन्हों भी सौदा लाया गया सी, लेकिन ये डूंगी साजिश है कि सिख धर्म के नाल ही साढ़े गुरु ग्रंथ साहब नाल क्यों आए दिन जिहड़ियां ने ये कुछ जिहियां हरकतां कीतियां जा रही ने। इन्हां को आखिरी हथियार है, पर मैं समझना ये पिछले कोई डूंगी साजिश है। इन्हां को एक ही हथियार होंदा उहदे नाल ये हो के बचने की कोशिश करते हैं कि इहदी जे संतुलन ठीक नहीं सी। जे उस इहदे विच जिहड़ी सब तो पहलों मैं पत्रकार साहब गल करनी चाहुंदा कि जदों इहदे विच मैं समझना कि जदों वह लेडी अंदर गई आ तो फर्ज बनता है एस जी पी सी के मुलाजमान का, सेवादारा का, कि महाराज ताबिया वह सिंह भी बैठा होंदा, लेकिन वह महाराज ताबिया सिंह बैठा ही नहीं सी उत्थे। तो शुक्र है बाबा बुढ़ा साहब जी का, गुरु रामदास जी का, कि उत्थे संगत बैठी सी। जदों उन्हें बेअदबी करने की कोशिश की, उन्हें रुमाला साहब तो खिच के तो गुरु ग्रंथ साहब नूं खिंचण की कोशिश की, तो उन्होंने पता लग गया जिहड़ी संगत बैठी सी उन्होंने फटाफट फड़ लिया, तो ये जिहड़ी घटना वड्डी वापरनी सी उन्हूं रोक लिया गया। लेकिन यह बड़ी मंदभागी घटना हुई है, तुसीं वेख लो कैमरा मार के कि सारे सिखां जिहड़े हुण हिरदे ने वह विलुंदरे गए ने, सारे अज दुखी ने कि यह बार बार साडे नाल ही ये क्यों सिख धर्म नाल ही क्यों ये जिहड़े ये कार्य हो रहे हैं। अपने सिफतां करदी नहीं करदी, पर हाले तक जिहड़ियां मेन गल्लां फेर भी हर धर्म के हर धर्म के ग्रंथ साहब होंदियां
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜਸੀ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੀ ਸਟੇਜ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਹਨੇ ਕਰਤੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਬਰਕਤ ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਦ ਬੰਦ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਮਣਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 96435032321